चलिए दोस्तों, आज हम केदारनाथ धाम की एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं। दिल्ली से हम लोगों ने यात्रा को प्रारंभ किया, उसके बाद हम हरिद्वार गए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग हरिद्वार में हैं अभी, और माँ गंगा के पावन जल से आज नवरात्र के पहले दिन स्नान करते हुए सभी पूरी हमारी टीम यहाँ पर। ये वो स्थान है जहाँ पर चंबा में हमने नाइट स्टे किया था। आप देख रहे हैं मेरे पीछे अभी टेहरी डैम, और ये टेहरी डैम जो है पूरे जो क्षेत्र है इस यहाँ का, वहाँ को पानी पहुँचाने का काम करता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा डैम बना हुआ है, और नीचे बड़ा सुंदर नज़ारा है डैम पर। एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि ऊपर नीचे चढ़ने के लिए रास्ते बनाए गए हैं, और जिस तरह से पूरी जो व्यवस्था है यहाँ की डैम की, बड़ी एक विचित्र व्यवस्था कर रखी है। आप उसको जूम करके हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, और एक बड़ी सुंदर जगह आप पास देख रहे हैं यहाँ पर। और मुझे बड़ा पहली बार आ रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आगे चलिए, हम और कुछ नई नई चीज़ें देखते रहेंगे। अब हम देख रहे हैं रुद्रप्रयाग संगम। जिस तरह से आप सामने देख पा रहे हैं कि ये जो अलकनंदा नदी है बद्रीनाथ धाम की ओर से आ रही है, और यहाँ पर मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ की ओर से मिलकर यहाँ गंगा का रूप ले रही है। ये बहुत ही अच्छा एक स्थान है, और बहुत ही सुंदर जगह पहाड़ों पर बसी हुई है, आपको दिखेगी। रास्ते में मंदाकिनी के कुछ शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, आपको उतना सुखद अनुभव मिलता रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी सोनप्रयाग में खड़ा हूं, और सोनप्रयाग की कार पार्किंग जो है वो मेरे पीछे है। कार पार्किंग जो है यहां का, वो लगभग आपसे 120 रुपीज़ 24 घंटे के चार्ज करेंगे, और आपकी गाड़ी 24 घंटे के लिए खड़ी रहेगी। कार पार्किंग बहुत बड़ी है, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। इसकी एक पहले भी सीतापुर में पार्किंग है, लेकिन आप सीतापुर में पार्क ना करें। मेरा जहाँ तक आपको एक सजेशन रहेगा कि आप जो अपने रुकने की व्यवस्था है वो सीतापुर में करें, रात आप वहीं स्टे करें, क्योंकि सोनप्रयाग में रूम महंगे भी हैं और गंदे भी हैं। और सीतापुर में हैं, आगे अगर आप देखें तो उस साइड अगर आप सोनप्रयाग से थोड़ा दूर रुकते हैं तो आपको फाइनेंशियली भी बेनिफिट है और रूम को लेकर भी बेनिफिट है। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सोनप्रयाग का वो मार्केट है जहाँ से आप अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, और ये जो है यहाँ पर एक काउंटर है ये, जहाँ पर आपको अपने ई पास दिखाने होते हैं, और कोरोना की जांच आपको अपनी करानी रहेगी, तो इसके लिए ज़्यादा कोई समय लगता नहीं है, आप इसको जल्दी से करा कर आगे बढ़ सकते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग टैक्सी लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, और बहुत जल्दी हम लोग गाड़ी से गौरीकुंड के लिए निकलने वाले हैं। यहाँ से हम गाड़ी लेंगे आगे के लिए। हम गौरीकुंड तक आ चुके थे, उसके बाद हम जो पैदल ट्रैक है हमारा, आज का जो हमारा ट्रैक है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। 16 किलोमीटर का ये ट्रैक हम लोग अब आगे बढ़कर चलने वाले हैं। मेरी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। ये गौरीकुंड है, और यहीं पर आप देख सकते हैं कि ट्रैकिंग करते हुए लोग जा रहे हैं। यहाँ पे ही गर्म पानी का कुंड भी है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। लोगों को वहाँ पर ठंड नहीं लगेगी बिल्कुल, क्योंकि बहुत गर्म पानी है। देखिए, हम सब नज़ारे देखते हुए चलते जा रहे हैं। बड़े सुंदर नज़ारे आपको बीच में देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर हमारा ये पूरा ट्रिप रहेगा। ट्रैकिंग जितना चलते रहेंगे उतना ज़्यादा मज़ा हमको आगे आने वाला है। ये यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल है जहाँ पर घोड़े रोके जाते हैं। एक चीज़ और, हेलीकॉप्टर सर्विस भी केदारनाथ के लिए हमेशा चलती रहती है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सब अपनी जगह पर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, और कारण सिर्फ एक कि थकान बड़ी हो रही है। और जितने भी लोग हैं, मैं एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा, जब भी आप यहाँ आएँ कम से कम सामान ऊपर लेके चढ़ें। हमने गलती की है यहाँ पर, देखिए पीछे मेरे बैग, और बड़ी नुकसान हुआ है ज़्यादा सामान लेके। आप कम से कम लगेज लेके चढ़ें, और धन्यवाद।
दोस्तों लगभग 8 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं और बड़ी कंडीशन ख़राब हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी हम लोग हैं हम अभी चारों तरफ आपको मोबाइल करके दिखाएंगे, हमारे जितने दोस्त हमारे साथ आए हैं सबकी क्या हालत हो गई है। तो बेड कम से कम लेके आए लेकिन ठंडा बहुत है, उस चीज़ का ध्यान रखें। दिखा दो चारों तरफ, इधर हमको ही दिखाए ना। दोस्तों हम लोग लगभग 3 किलोमीटर दूर हैं केदारनाथ से अभी, और आप देख सकते हैं इधर का व्यू, झरने अच्छे से गिर रहे हैं, ऊपर बड़े बर्फीले पहाड़ हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है माहौल यहाँ का। और काफ़ी अच्छा एक रोड बना रखा है वैसे, और कहीं कहीं ढलान है, कहीं कहीं एकदम चढ़ाई है। देखिए आप देख सकते हैं पूरा, और ये पूरा जो माहौल है, ये माहौल जो है इस पूरे टूर को आपको एक मनमोहक बना देगा। थकान होगी लेकिन जब आप पास आते जाएंगे आपकी थकान अपने आप दूर होती जाएगी। बोले शंभू, काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि नीचे मेरे हॉर्स महाराज हैं, और बड़ा अच्छा भी फील हो रहा है क्योंकि मैं बता दूं, मैं रास्ते में आया था पैदल चल के, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब चल नहीं पाऊंगा, तो मैंने फिर अपने बीच रास्ते में से घोड़ा किया और वहीं पे मैं हुआ हूँ साथ में। और मेरे घोड़े को जो लीड कर रहे हैं, भैया आपका नाम बताइए। अलवा भाई बैठे हमारे साथ में, गोलू भाई बैठे हैं, गोलू भाई साथ में हैं जो इस घोड़े को लीड कर रहे हैं। और आप लोग भी अगर आएँ, देखिए अगर आप में हिम्मत हो चलने की, अच्छा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ, एज ए प्लेयर भी मेरी हिम्मत टूट चुकी थी कहीं ना कहीं, ज़्यादा लगेज है मेरे पीछे बैग में, इसलिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप थोड़ी सी हिम्मत, अगर हारने जैसी कंडीशन हो तो घोड़ा नीचे से लेके ही आएँ, आप कोशिश कीजिएगा। चलिए थैंक यू। दोस्तों अभी सुबह की 6:15 बज रही है, और देखिए ये सीढ़ियों से होते हुए हम बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा व्यू बाबा केदारनाथ का, पीछे बृहद पहाड़ियाँ और सामने हमारे केदारनाथ बाबा बैठे हैं, चलिए उनके दर्शन करते हैं, आइए। ये दोस्तों हम लोग अभी केदारनाथ मंदिर के चौक में हैं, और श्रद्धालुओं की लाइन देखिए आप, कहाँ से लोग पूरे लाइन में लगे हुए हैं, पूरा चौक चारों ओर से लाइन बनाते हुए और पूरा चौक वापस से मंदिर में आ रहा है। और पीछे मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फीली पहाड़ियां जो हैं वो बैकग्राउंड में यहां पर दिख रही है आपको, बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है। और अभी दर्शनार्थी मंदिर के अंदर तक जा रहे हैं, यानी ये बहुत अच्छा मौका है आज कि हम मंदिर के अंदर जाके दर्शन करेंगे बाबा श्री केदारनाथ के। और ऐसा मौका मुझे पहली बार मिला है कि मैं केदारनाथ आया हूँ अकेला, और दोस्तों के साथ नहीं, लेकिन घर से अकेला आया हूँ और केदारनाथ बाबा के दर्शन कर रहा हूँ। तो ये देखिए आप पूरा जो माहौल है यहाँ का, और बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है, ठंड बहुत है, मेरा मुंह थोड़ा उतरा हुआ दिखेगा आपको, लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं मंदिर के पीछे के एरिया में, और ये शिला जो दिख रही है जिसके सब पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये वही शिला है जो प्रलय के समय मंदिर के पीछे आके रुक गई थी, जिसकी वजह से मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची। और ये पूरा जो यहाँ का नज़ारा है अब अलग ही देखने को मिलता है।